तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं। केशव झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं फूल के मालों के साथ और फूलों के साथ जो है यहाँ पर मनु भाकर के स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। और देख सकते हैं मनु भाकर को गोदी में उठाकर यहाँ पर फूल मालों के साथ ढोल नगारों के साथ स्वागत किया जा रहा है। ये दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव 1224 पर देख रहे हैं कि किस तरह से मनु भाकर को गोदी में उठाकर यहाँ पर एक बड़ा सा फूल का माला पहनाया गया है। और उसके बाद यहाँ पर लगातार उस उन पे पुष्प वर्षा किया जा रहा है। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने के बाद इस बार जो है वो आज स्वदेश लौटी है मनु भाकर। आज देखिए किस तरह से झमाझम दिल्ली में बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली एयरपोर्ट पर किस तरह से मनु भाकर का स्वागत किया जा रहा है और दोनों मेडल गले में पहनी हुई इस वक्त मनु भाकर आपको नजर आ रही होंगी। और जो उनके फैंस यहाँ पर आए हुए थे वो उनको लगातार फूल मालों के साथ यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए उनके जो कोच जसपाल सिंह राणा जो कोच हैं उनको भी गोदी में उठाया हुआ है और मनु भाकर के जो परिवार के लोग हैं यहाँ पर लगातार आपको नजर आ रहे होंगे। हरियाणा सरकार के खेल मंत्री संजय सिंह भी दिल्ली एयरपोर्ट पर मनु भाकर को रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पर जो है लगातार मनु भाकर को गोदी में उठाकर फूल मालों के साथ स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव 1224 पर आप देख रहे हैं कि झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मनु भाकर के देखने के लिए मनु भाकर को देखने के लिए और उनका अभिवादन स्वागत करने के लिए इस वक्त पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उनके पिताजी माता जी उनके परिवार के लोग हैं और साथ ही साथ पूरे देश से जो लोग आए हुए हैं वो यहाँ पर मनु भाकर का स्वागत करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं मनु भाकर के गले में एक नोटों का माला भी आपको नजर आ रहा होगा, 200 के नोटों का माला मनु भाकर को पहनाया गया है। साथ ही साथ फूल का एक बहुत बड़ा माला मनु भाकर को पहनाया गया है, साथ ही लगातार गुलदस्ता फूल उनको दिया जा रहा है। यह तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट से आप देख रहे हैं जहाँ पर किस तरह से जो है मनु भाकर का स्वागत किया जा रहा है और झमाझम बारिश हो रही है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने कैमरामैन सिबली को कहूंगा देखिए किस तरह से झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर मनु भाकर के स्वागत के लिए। और इस वक्त देखिए मनु भाकर और उनके कोच जसपाल राणा के ऊपर लगातार पुष्प वर्षा किया जा रहा है क्योंकि पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने के बाद यहाँ पहुंची है। देखिए अपना मेडल दिखाती हुई इस वक्त मनु भाकर आपको नजर आ रही होंगी और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से फूल मालों के साथ जो है वहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज कैमरा बाकी गया भाई, बाकी भी गया। यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो है मनु भाकर नजर आ रही है। काफी लोग आए हैं बारिश में, मनु काफी लोग बारिश में आए आपको स्वागत के लिए यहाँ पर। जी जी बहुत आभारी हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ इतना प्यार और सम्मान के लिए। मैं कहूंगी मेहनत करती जाइए और आगे बढ़ती जाइए। ये देख सकते हैं तस्वीरें जो है जसपाल राणा को भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रिया स्कूल से 1224 पर जो है मनु भाकर ने कहा है कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है इस बारिश में भी हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे उनके स्वागत के लिए और अभी परिवार के साथ यहाँ पर मनु भाकर जो है अब वो निकल रही है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से 1224 पर स्कूल से आपने देखा कि मनु भाकर ने भारत लौटने के बाद स्कूल से बातचीत में कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि उनको इस बारिश में भी लोग उनको इतना जो है वो जाने वाले हैं और यहाँ पर सभी उनके समर्थक उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे और अब वो अपने परिवार के साथ गाड़ी में बैठ गई हैं और यहाँ से सीधे वो अशोका होटल जाएंगी और फिर वहाँ के सेफ और आगे जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है।